नमस्कार, बिंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। आज हम भारत और संविधान की सीरीज में बात करेंगे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में। संविधान में नागरिकों को जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वहीं इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि इन मौलिक अधिकारों का हनन न हो सके। आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एक मौलिक अधिकार ही करता है, और यह मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी का। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह अगर सरकार के किसी फैसले से उसके या किसी के भी मौलिक अधिकारों को बाधित किया जाता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दाखिल कर सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट जिनकी जितनी भी जनहित याचिका दाखिल होती हैं वो इसी अधिकार के तहत होती हैं। कोर्ट को अगर लगता है कि सरकार का कोई आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार का हनन करता है तो कोर्ट उस आदेश को रद्द कर देता है। उसी तरह से अगर कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला है तो उसे भी कोर्ट निरस्त कर सकता है। संविधान में ही आगे अनुच्छेद 226 का भी जिक्र है, जो नागरिकों को सरकार के फैसलों के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। हालांकि अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में यह व्यवस्था किया है कि जिस बात का समाधान हाई कोर्ट के स्तर पर हो सके उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह अनुच्छेद 226 भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी यानी संवैधानिक समाधान के मौलिक अधिकार का विस्तार करता है। इसे अनुच्छेद 22 से बड़े क्षेत्राधिकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जबकि 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों पर भी सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 32 की याचिका सिर्फ सरकार या सरकार के खिलाफ की गई याचिका में सुनवाई कर सकती है, जबकि 226 की याचिका सरकार ही नहीं किसी भी व्यक्ति संस्थान के खिलाफ दाखिल की गई याचिका में के खिलाफ सुनवाई कर सकती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। 1950 के पहले केवल कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अनुच्छेद 226 के बाद सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं और इन्हें विशेषाधिकार रिट भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात इन्हें न्याय का झरना कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।